हेलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास क्लास शुरू करने से पहले वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें तो हमारा आज का क्वेश्चन है पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी चित्रकूट में ग्लास स्काई वॉक ब्रिज उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले के तुलसी जल में बनाया गया है इस ब्रिज का निर्माण वन और पर्यटक विभाग ने करवाया है इसको गाजीपुर की पवन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया है धनुष बाण के आकार के इस ब्रिज में खाई की ओर बाण की लंबाई 25 मीटर है दोनों पिलर के बीच धनुष की चौड़ाई 35 मीटर है पुल की भार क्षमता प्रति वर्ग मीटर में 500 किलोग्राम होगी अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर की त्रिनेतर ऐप 2.0 उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड के द्वारा उत्तर प्रदेश में मथुरा में बरसाना बायोगैस संयंत्र के पहले चरण को चालू किया गया है यूपी कैबिनेट ने हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पाँच करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है क्वेश्चन दो 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी किग्रिस्तान में ग्यारह से सोलह अप्रैल दो तक किग्रिस्तान की राजधानी बिस्केक में 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 के पहले दिन भारतीय पुरुष पहलवानों ने तीन पदक जीते हैं एक रजत और दो काश्य पदक अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर की भारतीय अमेरिकी गोल्फर अक्षय भाटिया ने वालेरो वालेरोक्सोस ओपन का खिताब जीता है सुमित नागल ने मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ का खिताब जीता है अर्जुन एरिगेसी भारत के नंबर वन शतरंज खिलाड़ी बने हैं क्वेश्चन तीन वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है इसका राइट right आंसर आएगा ऑप्शन ए दसवा साइबर क्राइम पर ग्लोबल स्टडी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के एक्सपर्ट ने की है इसमें भारत का स्थान दसवें नंबर पर है पहले नंबर पर रूस रहा है यूक्रेन दूसरे नंबर पर चीन तीसरे नंबर पर, अमेरिका चार नंबर पर, नाइजीरिया पाँच नंबर पर, रोमानिया नंबर पर, नॉर्थ कोरिया सातवें नंबर पर, ब्रिटेन आठवें नंबर पर, ब्राजील नौवे नंबर पर और भारत का स्थान दसवा है क्वेश्चन चार भारत से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एक्सपोर्ट करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी कौन सी बनी है इसका राइट right आंसर आएगा ऑप्शन ए सिट्रोइन सिट्रोन फ्रांस की कंपनी है इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भारत में बनाई गई है और फिर भारत से एक्सपोर्ट इंडोनेशिया में किया गया है सिट्रोन कंपनी के द्वारा बनाई गई कारों का नाम है ई सी थ्री भारत से ई e सी थ्री इंडोनेशिया में 500 सौ कारे भेजी है बात करते हैं सिट्रोन कंपनी की सिट्रोन फ्रांसीसी ऑटोमोबाइल कंपनी है इसकी स्थापना 1919 में हुई थी सिट्रोन कंपनी की भारत में 2019 को स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है तिरुवल्लूर चेन्नई में अब हम बात करते हैं भारत में हुई कुछ प्रमुख पहल की भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक बेंगलुरु में लॉन्च किए गए थे भारत की पहली वाटर टैक्सी सर्विसेज नवी मुंबई से मुंबई तक क्वेश्चन पांच रूस यूक्रेन के मध्य चल रहे संघर्ष को समाप्त कर शांति वार्ता के लिए किस देश ने आमंत्रित किया है इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड ने स्विट्जरलैंड ने रूस और यूक्रेन के मध्य चल रहे युद्ध को शांतिपूर्वक खत्म करने के लिए एक सम्मेलन की घोषणा की है और यह सम्मेलन 15 से 16 जून 2024 को आयोजित करने का फैसला लिया है इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 120 देशों को इनवाइट किया गया है और इस सम्मेलन का उद्देश्य है दोनों देशों के मध्य शांति के लिए एक ठोस रोड मैप बनाया जाए स्विटरलैंड में होने वाले सम्मेलन में भारत को भी इन्वाइट किया गया है क्वेश्चन छह पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी हॉस्पिटल कौन सा बना है इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी कमांड हॉस्पिटल पुणे में है यह है पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट सिस्टम एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसको ऐसे रोगियों के कान में फिट किया जाता है जिनको सुनने की समस्या हो या एक कान से सुनता ना हो इस कमांड हॉस्पिटल को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल के रूप में रक्षा मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है क्वेश्चन सात टी ट्वेंटी क्रिकेट में सात हजार या अधिक रन बनाने वाले आठवें भारतीय कौन बने हैं इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव क्वेश्चन आठ भारतीय सेना के द्वारा एंटी टैक मिसाइल दागने का अभ्यास कहाँ किया गया है इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी सिक्किम में क्वेश्चन नौ भारतीय नौसेना के लिए फ्लिट स्पोर्ट जहाजों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए विशाखापट्टनम में क्वेश्चन दस ऑनलाइन आधार ए सेवा किसने लॉन्च की है इसका राइट right आंसर आएगा ऑप्शन डी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा इस ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा के माध्यम से घर बैठे बैंक से पैसे निकाल सकते हैं पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आधार एटीएम से एम दस हजार रूपए तक कैश विद्रॉ कर सकते हैं अब हम करते हैं हमारी कल की क्लास का रिवीजन क्वेश्चन ए बालिका सशक्तिकरण मिशन का नया संस्करण किसने लॉन्च किया है इसका राइट right आंसर आएगा एन लिमिटेड के द्वारा क्वेश्चन दो जल जीवन मिशन के तहत घर तक नल से जल पहुंचाने वाला पहला जिला कौन सा बना है इसका राइट आंसर आएगा नीलगिरी तमिलनाडु क्वेश्चन तीन मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है इसका राइट आंसर आएगा बारह अप्रैल को क्वेश्चन चार पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग दो हजार का आयोजन कहाँ किया जाएगा इसका राइट आंसर आएगा झारखंड में क्वेश्चन पांच इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी रिसाइकिलिंग में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए भारत के साथ कौन सहयोग करेगा इसका राइट right आंसर आएगा यूरोपियन यूनियन क्वेश्चन छह होम्योपैथी सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया है इसका राइट right आंसर आएगा नई दिल्ली में क्वेश्चन सात किस देश ने पहली बार अपनी जहाज से संबंधित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की है इसका राइट right आंसर आएगा इजराइल क्वेश्चन आठ किस आईआईटी ने तुरंत रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है इसका राइट आंसर आएगा आईआईटी जोधपुर क्वेश्चन नौ हाल ही में आई कैन कोच पुस्तक को लॉन्च किया गया है इसके लेखक कौन है इसका राइट right आंसर आएगा सिद्धार्थ सेकर। क्वेश्चन दस सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है इसका राइट आंसर आएगा झारखंड राज्य में वीडियो लाइक करें कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद